इतने टाइम से मसाज ले रहा हूं, पर पहली बार तन को नहीं मन को सुकून मिला है। थैंक यू आलिया। राखी, राखी नाम है मेरा। अपना असली नाम बता रही है? आप अच्छे आदमी हैं, आपसे कोई डर नहीं। टेक केयर राखी। थैंक यू सर। यार यहाँ हमारे कस्टमर की पीठ रगड़ते रगड़ते हाथों की रेखाएं मिट गई और तुम बिना मसाज किए मौज काट रही हो। बहुत लकी हो यार। लकी होते तो यहाँ थोड़ी ना होते, BMW में होते। वो तो आदमी अच्छा था जो सिर्फ बात करके चला गया। पता नहीं अगला कौन सा पल्ले पड़ेगा हमारे। जुई मैम, लवली मैडम ने तुम तीनों को अंदर बुलाया है। तूने कुछ किया क्या? नहीं तो मैंने तो आज खाना भी नहीं खाया। तो फिर क्यों बुला रही है? मैं इतने सालों से यहाँ पार्लर चला रही हूँ, लेकिन आज जो हुआ है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? अरे तुम दोनों ने ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दी है इसको जो वो क्लाइंट इस तरीके से गया है? मैडम मैं तो उनको बोल रही थी मसाज। बोलने को बोला? जब बोलने को कहा जाए तभी जवाब देना। हमारे इस पार्लर में लोग मसाज करा के तन और मन की थकान दूर कराने आते हैं। तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो वो क्लाइंट मसाज फीस से ज्यादा तुम्हारे लिए टिप देकर गया है? हाँ, रिलैक्स गर्ल, चल। राखी वैसे तो ये तुम्हारे लिए, लेकिन इसमें इन दोनों की मेहनत भी है जिन्होंने तुम्हें इतना अच्छे से ट्रेन किया है। सो आपस में बराबर से बांट लेना। देखो राखी, मैं नहीं जानती कि तुमने उस आदमी को क्या कहा है जो वो आदमी 30 दिनों के लिए तुम्हें ब्लॉक करके गया है, बट जो भी किया है दैट्स गुड। ऐसे ही करते रहो, तभी हमारा ये लवली मसाज पार्लर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। गॉट इट गर्ल्स? यस मैम। ओके बाय। थैंक यू मैम। ऐसा क्या कर दी तुम बे? कुछ नहीं यार, बस गम बांट लिया उसका। वो भी डिवोर्सी था और हम भी, बस कुछ बातें शेयर कर ली। वाह, आते ही सिक्सर मार दिया तुमने। ऐसे ही डेली के 3 क्लाइंट मिल गए ना तो बिना मेहनत के पैसे छापोगे तुम। 1000 में 600 रुपए मिलते हैं, अगर डेली के 3 क्लाइंट भी होंगे ना तो 1800 होता है महीने का, 54,000 रुपए। ऊपर से मंडे ट्यूसडे ऑफ है, 30-40 से ज़्यादा हम नहीं कमा पाएंगे यार। उससे ज़्यादा तो मम्मी की टेस्ट और दवाइयों की खर्चे हो चुके हैं। पता नहीं क्या होगा, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? आ जाएंगे, हमने कहा था ना तुम्हें पैसा कमाने का तरीका बताएंगे। एक काम करो, आज रात को मिलो हमें। लोकेशन और एड्रेस भेज दिया है। चाबी
अरे तुम्हारे पास ही तो है। अरे यार पहले जाओ कपड़े बदलो और मम्मी को डिस्चार्ज करो, जाओ। अरे पैसे की चिंता काहे कर रही हो, तुम्हारी मम्मी हमारी मम्मी भी तो है ना, तो फिर जो भी पैसे हो हमें मैसेज कर देना, हम ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू यार। अरे चलो दोस्त की कार से। आपको बड़ी हंसी आ रही है, आपको मना किया है ना ये सब खाने से? ले मालूम है हमें, इसलिए तो बिना तड़के की दाल और चावल खा रहे हैं। रोहित ले आया हमारे लिए अस्पताल के कैंटीन से। तेरे पास इतने पैसे आए कहां से? फ्रेंड से उधार लिए। उधार? 35,000 रुपए तूने अपने दोस्त से उधार लिए? अब चुकाएगा कौन, तेरा बाप? बाप कैसे चुकाएगा, वो तो कब का मर गया ना। रिलैक्स रिलैक्स, अब टेंशन मत लो। देखो जिस दोस्त ने हमें पैसे उधार दिए ना, उसके होटल में हमें जॉब भी मिल गई, सरप्राइज। ये क्या मैं सपना देख रही हूं? ये क्या सत्यु आ गया क्या? माँ इसको क्या खिलाया आपने, ये सुधर कैसे गया? पता है दीदी, अगर आपने हमें वो थप्पड़ बहुत पहले मारा होता ना, तो हम कब के सुधर गए होते, लेकिन आपने मारा ही नहीं। और अब कभी बिगड़ना मत, हाँ come on, give me a hug। अरे क्या हुआ? 10 बज गए माँ, मुझे जूही क्या जाना था, थोड़ा काम है। पर बेटा इतनी रात को? माँ जूही को कुछ काम है और मैं उसको मना नहीं कर सकती, क्योंकि उसने हमारी इतनी हेल्प की है। आप लोग ना खाना वाना खा के सो जाना, मैं थोड़ा लेट आऊंगी और घर की चाबी है मेरे पास। अच्छा मैं चलती हूँ, हाँ बाय। संभल कर जाना बेटा। हाँ। कहाँ इतना टाइम हो रहा है? बेबी जब पैसा आता है ना तो सब अजीब अच्छा लगता है, पर सोच लो क्या तुम ये जॉब कर पाओगी? इमरजेंसी थी तो हमने तुम्हारी मदद कर दी, आगे भी करेंगे चाहे जितने पैसे लगे, पर तुम ये कर्जा चुकाओगे कैसे? तुम एक काम करो, कोई भी खाली कमरा देख के बैठ जाओ, हम अभी आते हैं फिर तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हाँ पैसे की चिंता काहे कर रही हो, तुम्हारी मम्मी हमारी मम्मी भी तो है ना, तो फिर जो भी पैसे हो हमें मैसेज कर देना, हम ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू यार। अरे हटो ना यार, पहले दिमाग खराब है और तुम हाय बेबी, इरिटेट मत करो। इरिटेट? हाँ हम सुबह मुर्गे से पहले उठकर तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाते हैं, गधों की तरह सारा घर का काम करते हैं, कुत्ते की तरह वफादारी निभाते हैं और उल्लुओं की तरह जागकर रात भर तुम्हारा इंतजार करते हैं। जानवर बन गए हैं हम शादी के बाद और तुम इरिटेट हो रहे हो? अरे हो रहा हूँ भाई इरिटेट,
क्या हो गया, गुनाह कर दिया क्यों इरिटेट होकर? अरे पहले पहले तुम हमारी गर्लफ्रेंड थी तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तुम बन गई हो हमारी हमारी बीवी, और ये जो बीवी वाली जिम्मेदारी है ना अब हमसे और नहीं उठाई जा रही है भाई। और तुम्हारी ये जो लाइफस्टाइल का प्रेशर है ना हमारे ऊपर, ऐसा लगता है कि एक दिन हम सिलेंडर की तरह फट ना जाएं। और पता है तुम्हें, पहले हम सिर्फ 10,000 रुपए कमाते थे और दोस्तों के साथ में रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब हम कमाते हैं 40,000 रुपए महीना, लेकिन मंथ के एंड में 1 रुपया नहीं होता अकाउंट में। ये कार की EMI, इस घर का रेंट, तुम्हारे एक्सपेंसेस, इन सब चीजों ने खोल के मार लिया हमारी, समझी तुम? हमने कहा है तुमसे कि हमको ये सब दो, हमको सिर्फ प्यार चाहिए तुमसे। हम तुम्हारे साथ एक कमरे में रहते थे, बस में, ऑटो में, रिक्शा में, सिर्फ इसी में घूमते थे, सड़क के किनारे हम पानी बताशे खाते थे, कोई 5 स्टार की डिमांड नहीं की थी हमने तुमसे। अब तुमने नहीं कहा तो क्या हो गया भाई? अरे पहले तुम हमारी गर्लफ्रेंड थी तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कहीं भी घूम लेते थे, लेकिन अब तुम बन गई हो हमारी बीवी, और अब हम पहले लड़के थे और अब हम बन गए मर्द। पर एक मर्द की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी औरत को हर तरह का सुख दे, उसकी सारी जिम्मेदारियों का पूरा करे। बात कर रही हो फालतू की, डिमांड नहीं किया, बेकार की बात। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो हम भी कर लेते हैं जॉब। अरे जॉब करोगी तुम है? कोई मजाक चल रहा है क्या? कोई कोई गुरुद्वारे का प्रसाद है जो कोई भी आएगा और आकर के खा लेगा? जॉब करोगी? अरे जॉब करने के लिए प्रोस्टिट्यूट की तरह अपनी मरवानी पड़ती है। अरे पहले नौकरी लेने के लिए मरवाओ, फिर नौकरी बचाने के लिए मरवाओ। अरे सोचो क्या क्या करना पड़ता है, जब लड़कों के लिए इतनी प्रॉब्लम है तो सोचो लड़कियों क्या हाल होता होगा, बिना शरीर बेचे कुछ नहीं मिलता है। जॉब करोगी, बढ़िया ही जॉब करने वाली। अरे अरे जाओ यार, अपना काम करो और मुझे भी कुछ काम करने दो, जाओ। अरे सोचो क्या क्या करना पड़ता है, जब लड़कों के लिए इतनी प्रॉब्लम है तो सोचो लड़कियों क्या हाल होता होगा, बिना शरीर बेचे कुछ नहीं मिलता है। जॉब करोगी, बढ़िया ही जॉब करने वाली। सही कहा था तुमने कि जब लड़कों को इतनी प्रॉब्लम होती है तो लड़कियों को कितनी होती होगी, लेकिन एक बात तो तय है, पैसों के लिए मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगी। ये क्या तरीका है हाँ? लेडीज से ऐसे बात करते हैं? पैसे लेडीज ने लिया है तो बदतमीजी से बात भी दिल्ली से की जाएगी। बेटा बहुत ज्यादा हो रहा है, अब तू देख मैं क्या करता हूँ, बाहर मिल। बाहर क्यों बे, यही होगा जो कुछ होगा, अब देखता हूँ तेरी अम्मा के दूध में कितना दम है बे। अच्छा अम्मा पे जाता है हाँ? रुक मत आता हूँ। ये क्या कर रहा है? अम्मा पे जाता है हाँ? अरे छोड़ छोड़, अरे भाई साहब पागल हो गया क्या? सॉरी भाई साहब, आपका पेमेंट मिलने में लेट हुआ। लेट? बहन जी 1 साल के ऊपर हो गया, अम्मा के घर छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। घर घर खाली करने की जरूरत नहीं है, आपका जितना भी अमाउंट है हम 2-4 महीने में दे देंगे। बहन जी 7 लाख रुपए है सूद मिला के। भैया आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, हम कह रहे हैं ना हम दे देंगे, जबान दे रहे हैं, यकीन करिए हमारा। अगले महीने आएंगे अम्मा। कहां से आएंगे इतने पैसे? अरे अम्मा ये तो लोन लेने से पहले सोचना था ना, अब बोल दिया है, अब 1 महीने तक चैन की सांस लो, लगाते हैं हम कुछ तिगड़म। एक दिन इस बेड पर लेटाकर तुझसे मसाज करवाऊंगा किम्पी। वो
वो दिन आज भी तो हो सकता है ना किम्पी। सॉरी किम्पी। सॉरी किस बात के लिए? तुम मुझसे प्यार करते हो, इतना हक तो बनता है ना तुम्हारा। किम्पी लवली मैडम आ जाएगी। आने दो ना किम्पी। आ जाने दो ना। ए साला, लोगों को रात में स्वप्न दोष होता है और मैंने तो दिन में ही हो गया। चल भाई अमित, पहले खुद को साफ कर ले, फिर रूम साफ करना। अरे कल तुम आई नहीं। आए थे और तुम्हारा पैसे कमाने का तरीका भी देख लिया। आई थी तो मिले क्यों नहीं? हमें ना ही इस तरह के पैसे कमाने हैं और ना ही इस तरह का कोई काम करना है और ना ही ऐसी लड़के से बात करनी है। तुम्हारी जैसी लड़की से मतलब? तुम्हारी जैसी वर्क यहाँ पर ये सब करने को मिलता नहीं है तो अपना नया ही अड्डा खोल के रखा है। हाँ बना लिया तो क्या गलत किया? और नहीं करते तो वैसे भी कौन सा मसाज गर्ल को कोई इज्जत दे देता है? मसाज गर्ल लोग मजबूरी में बनते हैं लेकिन सेक्स वर्कर पैसे के लालच में। हाँ तो तुम्हें तो ये काम पहले भी नहीं पसंद था ना, क्यों किया फिर? मजबूरी थी हमारी इसलिए। कोई भी लड़की मजबूरी में मसाज गर्ल या सेक्स वर्कर बनती है। मेरी माँ को कैंसर है, छोटे छोटे भाई बहन है, उनके पढ़ाई का खर्चा, पापा भी नहीं है मेरे। मैं यहाँ ये सोच के आई कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पर अच्छी नौकरी तो मिलने से रही। मैं इससे पहले दूसरे पार्लर में काम करती थी, वहाँ क्लाइंट को हैंड जॉब ना दो तो कोई आता ही नहीं था, और जो क्लाइंट हैंड जॉब नहीं लेता था वो यहाँ वहाँ टच करता था। शुरुआत में बहुत अजीब लगता था पर धीरे धीरे आदत सी हो गई। घर में पैसे आने लग गए, घर के प्रॉब्लम्स ठीक हो गए, पर मेरा क्या? मसाज गर्ल से कब वर्कर बन गई पता ही नहीं चला। कोई भी लड़की अपनी मर्जी से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती कि लोग उसे ऐसी लड़की कहकर बुलाएं। लकी हो जो लवली पार्लर में आई, कहीं और गई होती ना तो तुम भी वर्कर बन जाती। I'm sorry यार, हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हमारे लिए सब नया है ना इसलिए। अब चाहे कुछ भी हो हम पैसे के लिए ये सब काम नहीं करेंगे। अब पैसा हम तन की मसाज से नहीं मन की मसाज से कमाएंगे। क्या हुआ? और देखना था लेकिन सीन बीच में ही कट हो गया। कोई बात नहीं, बस सब्सक्राइब करो उल्लू और देखो पूरा एपिसोड बिना कटे, यानी बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हैं। सो सब्सक्राइब नाउ, जस्ट क्लिक एंड वॉच।